श्रीमती संगीता आजाद जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूँ और अपनी बात एक प्रसिद्ध वाक्य से शुरू करना चाहूंगी कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। महंगाई की मार से आज हर वह व्यक्ति पीड़ित है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा किसान सबसे ज्यादा इस महंगाई की मार को झेल रहा है। सरकार का जहां दावा था कि 2022 में वह किसान की आय दोगुनी करेगी, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसान की आय आधी हो गई है और महंगाई की मार दोगुनी से तिगुनी हो गई है। इसी महंगाई में आप लोगों ने बच्चों की पेंसिल, रबर, शॉर्पनर और अन्य जरूरी सुविधाएं और चीज़ों को भी GST लगाकर महंगा कर दिया है, जिसकी वजह से SC ST OBC तथा सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों को अपनी पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ जा रही है और उन्हें अपनी पढ़ाई को छोड़कर दूर बड़े शहरों में जाकर नौकरी करने पर मजबूर हुआ जा रहा है ताकि वह अपने परिवार का ख्याल रख सके। इसी बीच में यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहे युद्ध के कारण ईंधन, खाद्य तेल और अन्य घरेलू सामान की कीमतों में भारी वृद्धि आई है। भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों द्वारा भारी बिकवाली और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI को निकाल लिए जाने के कारण भारतीय रुपए में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारी गिरावट आई है। 29 जून 2022 को यह आज तक का सबसे निचले स्तर का रिकॉर्ड है, जहां $1 की कीमत 69.03 रुपए हो गई है। क्या यह सच नहीं है कि किसी भी देश की मुद्रा डॉलर के मुकाबले में अगर गिरती है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में उस देश की साख भी गिर जाती है। सरकार की वो कौन कौन सी प्रयास हैं जिससे अपने देश की मुद्रा और न गिरे तथा उसमें सुधार हो, मैं माननीय मंत्री जी से अपने जवाब में यह जरूर जानना चाहूँगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में मुद्रा स्फीतियों की दर 2021 में 13.11% से बढ़कर 15.88% हो गई है। MPC के अनुसार मुद्रा स्फीतियों की उच्च दर पर बने रहने से मुद्रा स्फीतियों संबंधी हमारी अपेक्षाएं गलत साबित होंगी और इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा स्फीति की दर में और बढ़ोतरी हो जाएगी। अतः मुद्रा स्फीति संबंधी अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए मौद्रिक नीति संबंधी और उपाय किए जाने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था में आ रहे निरंतर उतार चढ़ाव का कारण वास्तव में भारत की सभी वस्तुओं और मूल्य तेजी से बढ़ जा रही हैं, जिसका वस्तुओं में आयातकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मार्च 2022 की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमत $140 प्रति बैरल थी, जो कि 14 वर्षों में सबसे ज़्यादा अधिक है, जिसके कारण भारत में पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी आई है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत ढेर सारे सिलेंडर तो बांटे और कई सारे दावे किए, लेकिन आज गांव में वो हालत है कि लोगों के सिलेंडर भूसे में रखे जा रहे हैं, उनके पास इतनी आमदनी नहीं है कि उस सिलेंडर को दोबारा भरवा सकें। फल सब्जी और अन्य खाद्य पदार्थों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। पहले ही बढ़ी हुई महंगाई से जनता त्राही त्राही हो रही है और जनता के हितों का ध्यान न रखकर दोबारा GST की दरों में सरकार ने वृद्धि की है, जिससे महंगाई की आग में और घी डालने का काम हो रहा है। आज आम आदमी की थाली से दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सोयाबीन, मटर, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5% की GST लगा दी गई है। एक ओर तो हमारे देश में नौकरियों की भारी कमी है और कोई आय का अन्य जरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसमें ये GST लगाना बहुत ही दुखद है। अभी COVID-19 के प्रकोप खत्म नहीं हुआ है, बल्कि दूसरी तरफ मंकी पॉक्स का भी वायरस अपने पैर तेजी से फैला रहा है हमारे देश में। इसमें सरकार ने अस्पताल और उपचार क्षेत्रों में भी GST लगाकर आम आदमी को और परेशान करने का ही काम किया है। डायलिसिस पर GST 5% से बढ़ाकर 12-18% कर दिया गया। पेसमेकर पे GST 5% से बढ़ाकर 12-18% कर दिया गया। लेंस और आई ट्रीटमेंट पर GST बढ़ाकर 9% से 12-18% कर दिया गया। कैंसर ट्रीटमेंट की भी GST बढ़ाकर 5% से 12-18% कर दिया गया, तथा जिससे लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं में और
उनकी देखभाल में भारी मात्रा में कमी आएगी। मैं माननीय मंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि माननीय मंत्री जी मेरे बताए हुए बिंदुओं पर पुनः विचार करें और देश की गरीब, असहाय तथा आर्थिक रूप से दबे कुचले लोगों के हितों का ध्यान रखकर सभी क्षेत्रों में बढ़ी हुई GST दर को पुनः विचार करने का प्रयोग करें तथा पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस तथा अन्य खाद्य पदार्थों पर लगाए गए दामों में कमी करें। साथ ही साथ ये भी अनुरोध करना चाहूँगी कि जो शमशान और सौग्रह पे उन्होंने GST लगाई है, इसे एकदम खत्म करें। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।